अयोध्या रामनगरी में बड़ा हादसा। राम जन्मभूमि परिसर में तैनात पीएसी के प्लाटून कमांडर को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली। राम जन्मभूमि परिसर में स्थित चौकी के ऊपर मौजूद था प्लाटून कमांडर। घायल अवस्था में सुरक्षा बलों ने श्री राम अस्पताल पहुंचाया, जहां से मंडलीय अस्पताल के लिए किया गया रेफर। रामप्रसाद उम्र 53 वर्ष के रूप में हुई पहचान। पीएसी के 32 बटालियन ए दल में तैनात था प्लाटून कमांडर रामप्रसाद। गंभीर रूप से घायल प्लाटून कमांडर को लखनऊ हायर सेंटर किया गया रेफर। गोली चलने की वजह को तलाश रहे हैं अधिकारी। राइफल साफ करते वक्त हादसा होने की जताई जा रही है आशंका। राम जन्मभूमि परिसर का मामला आज शाम तकरीबन 6 बजे प्लाटून कमांडर श्री राम प्रसाद जी को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब वे अपने ऑफिस में बैठे थे उस समय जानकारी हुई थी कि उनको यह गोली लगी है। सूचना मिलते ही तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हॉस्पिटल में, जहां दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में उनको उपचार के लिए जाया गया था, वहाँ जाकर के डॉक्टरों से वार्ता की गई। प्राथमिक उपचार के बाद उनको वहाँ से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेज दिया गया, जहाँ पर वर्तमान में वह इलाजरत हैं। इस समय उनका ऑपरेशन हो रहा है। इसके सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का मुआयना किया गया। मौके को देख करके फील्ड यूनिट की ऑब्जर्वेशन और फील्ड यूनिट से बात करके, इसके अतिरिक्त जो भी डॉक्टर हैं जिन्होंने श्री राम प्रसाद जी को ट्रीट किया, उनसे वार्ता करके एंट्री एग्जिट वाउंड को देख करके प्रथम दृष्टया यह मामला एक्सीडेंटल फायरिंग का लग रहा है। बाकी सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है। जो भी आगे प्रगति होगी, एक बार स्वयं प्लाटून कमांडर राम प्रसाद जी से डॉक्टर हमको वार्ता करने देंगे इलाज के बाद, तो आगे के जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे।